कुछ समय बाद एक बॉडीगार्ड ने अक्षत के पास आकर उससे कहा, बॉस वो 3 बार खाना फेंक चुकी है और कह रही है कि खाना नहीं खाएगी। ये सुनते ही अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अक्षत ने बॉडीगार्ड से कहा, ओके मैं आता हूं। अक्षत वहां से उठकर वैशाली के रूम में पहुंचा, तभी एक बॉडीगार्ड खाना लेकर पहुंचा। अक्षत ने खाने की थाली पकड़ी और बॉडीगार्ड को वहां से जाने को कहा। उसके बाद अक्षत वैशाली के पास जाकर बैठ गया। वैशाली बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अक्षत ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके दिल में अचानक से दर्द हुआ। उसने खाने की थाली को साइड में रखा और वैशाली के एकदम करीब चला गया। उसके हाथ वैशाली के आंसू पोंछने के लिए उठे ही थे कि वैशाली ने अक्षत के हाथ को तेजी से झटक दिया। दूर रहो मुझसे, वैशाली ने अक्षत से कहा। अक्षत ने हमदर्दी जताते हुए कहा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये बात सुनते वैशाली ने चिढ़कर जवाब देते हुए कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। अक्षत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाऊं तो क्या तुम फिर भी खाना नहीं खाओगी? अक्षत की ये बात सुनकर मानो वैशाली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वैशाली ने अक्षत का कॉलर पकड़ते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा, तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ है? वो मुझे उससे मिलना है। अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। शर्तें? कैसी शर्तें? वैशाली ने हैरानी के साथ कहा। वैशाली अपने भाई से मिलने की बात से ही बहुत खुश हो गई थी। उसके चेहरे पर उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अक्षत उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर थोड़ा नर्म पड़ गया और बोला, एक शर्त तो यही है कि तुम टाइम पर खाना खाओगी, और दूसरी। ये कहते हुए अक्षत रुका और उसने अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। तभी एक बॉडीगार्ड वहां कुछ पेपर लेकर आ गया। उसने बॉडीगार्ड के हाथ से एक पेपर लेते हुए कहा, इस पर साइन करो। ये कहते हुए अक्षत ने पेपर वैशाली की तरफ बढ़ा दिया। वैशाली ने पेपर लेते हुए पूछा, ये क्या है? अक्षत ने अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये हमारी शादी के पेपर्स हैं। वैशाली ने उन पेपर्स को हैरानी के साथ देखते हुए कहा, शादी? ये कहते हुए वैशाली ने उन पेपर्स को अक्षत के मुंह पर उछाल दिया और कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। वैशाली गुस्से से लाल हो रही थी। अक्षत उससे कानूनी तौर पर शादी करना चाहता था और उन पेपर्स पर यह साफ साफ लिखा है कि अक्षत की सारी बातें वैशाली को माननी होंगी, और तो और वो अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती। आखिर ये किस तरह की शर्त थी? अक्षत को अब गुस्सा आने लगा था। अक्षत ने वो पेपर्स उठाए और कहा, अगर तुमने इन पेपर्स पर अभी साइन नहीं किया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में अपने भाई को कभी नहीं देख पाओगी। अक्षत की ये बात सुनकर वैशाली डर गई। वैशाली अक्षत से कहती है, तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता? कैसे पता है कि वो कहाँ है? कहीं तुमने उसको भी किडनैप तो नहीं करवा लिया? अक्षत ने वैशाली की सब बातों को इग्नोर किया और उसने पेपर्स फिर से वैशाली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साइन करो इसमें। अक्षत काफी ज्यादा एरोगेंट और जिद्दी था। वहीं वैशाली के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इसको इतना परेशान करूंगी कि खुद ही मुझसे दूर होने के लिए पागल उठेगा। वैशाली उन पेपर्स पर साइन करने ही वाली थी कि उसके हाथ अचानक से रुक गए। उसने अपनी गर्दन उठाते हुए कहा, इसकी क्या गारंटी है कि तुम शादी होने के बाद मेरे भाई से मुझे मिलवाओगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुम अपनी बात से पलट गए तो? अक्षत ने वैशाली की बात सुनी और उसने अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड से एक और डॉक्यूमेंट लिया और वैशाली की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर ऐसा कुछ कहोगी, इसलिए मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है। वैशाली ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। वैशाली उसको ध्यान से देखते हुए पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अगर अक्षत 2 महीने के अंदर उसके भाई को वैशाली से नहीं मिलवाता तो वैशाली उसे छोड़कर जा सकती है। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद वैशाली ने अक्षत को घूर कर देखते हुए कहा, 2 महीने? तुम इतने दिन के बाद मुझे मेरे भाई से मिलवाओगे? मैंने सोचा था कि ये अभी होगा जब मैं अपने भाई से मिलूंगी। अक्षत ने वैशाली को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, वो अभी यहां नहीं है। तो कहां है मेरा भाई, बताओ मुझे? वैशाली बोली। अक्षत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी मन मर्जी करते हुए कहा,
तुम्हारे पास 5 सेकंड है। अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम्हें अपने भाई से नहीं मिलना है। नहीं नहीं, मैं साइन कर रही हूँ। वैशाली ने ये कहते हुए पेन उठा लिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट कब तक का रहेगा? अक्षत के चेहरे का एक्सप्रेशन वैशाली की बात सुनकर एकदम से बदल गया। उसने कहा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये जरूर ऐड करवा सकता हूँ कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरी रहोगी, और अगर तुमने किसी और गैर मर्द को देखने की हिम्मत भी की तो तुम्हें सजा मिलेगी। अक्षत की बात सुनकर वैशाली ने जल्दी से पेपर्स पर साइन कर दिए। उसके दिमाग में अभी ये चल रहा था कि ये तो पागल है, कहीं सच में ना ऐसा कुछ लिखवा दे। वैशाली ने जैसे ही साइन किया, अक्षत ने तुरंत उसके हाथ से वो कागज छीनते हुए कहा, बहुत अच्छे। उसने वो पेपर्स अपने पास ही रख लिए जैसे कोई कीमती खजाना हो। अक्षत ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मुबारक हो मिसेस जिंदल, आखिरकार तुम मेरी हो ही गई। मिसेस जिंदल, ये सुनते वैशाली को खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। अक्षत ने उसको एक पानी का ग्लास देते हुए कहा, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी वाइफ बनी हो। वैशाली ने घूर कर उसको देखा और मन ही मन कहा, अजगर कहीं का, तुम्हारी वाइफ बनना ही कौन चाहता है। इतने में ही एक बॉडीगार्ड खाना गर्म करके ले आया। अक्षत ने खाना अपने हाथ में लिया और बॉडीगार्ड को वहां से जाने का इशारा किया। उसके बाद अक्षत ने वैशाली को खिलाने की कोशिश की, लेकिन वैशाली ने अपना मुंह ही नहीं खोला। फिर कुछ सोचते हुए वैशाली बोली, मैं ये खुद खा लूंगी। वैशाली को अब पता था कि उसको अब अक्षत को झेलना ही था, तो वो खाना ना खाकर खुद की तबीयत क्यों खराब करे। आखिर इस राक्षस से लड़ने के लिए उसको बहुत सारी स्ट्रेंथ की जरूरत थी। वैशाली ने थाली अक्षत से छीन कर खुद के हाथों में ले ली। सुबह से इतना फालतू का स्ट्रगल करने के बाद अब उसको भूख लग रही थी। उसने खाने को प्यार से देखा और फिर उसने अक्षत को घूरते हुए कहा, कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया मुझे मारने के लिए? इसके लिए मुझे इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा, मेरे एक इशारे से तुम दुनिया से गायब हो जाओगी। अक्षत की ऐसी बातें सुनने के बाद वैशाली ने धीरे से कहा, कमीना। उसके बाद वैशाली बिना रुके खाना खाने लगी। अक्षत के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसके सामने आज वो लड़की थी जिसे वो खुद के पास हमेशा से रखना चाहता था, और अब वो उसकी थी, सिर्फ उसकी। उसको नहीं पता था कि ये प्यार है या कुछ और, पर वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था किसी भी हालत में। वैशाली ने खाना खाते हुए पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियां हैं तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करने की सोची? ये बात सुनते ही अक्षत की आंखें तुरंत छोटी हो गईं। उसने कहा, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें किसी ने सिखाया है कि नहीं? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। ये कहते हुए अक्षत ने वैशाली को ऊपर से नीचे तक घूरा और उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वैशाली ने जैसे तैसे करके खाना खाया। वो अक्षत की बात के पीछे का डबल मीनिंग समझ चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके ऊपर अचानक से एक बिजली गिरी हो। वो तो ये बोली गई थी कि उनकी तो अब शादी हो चुकी है। ये सोचते हुए वैशाली की सांसें गले में अटक गई। उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि उसकी शादी ऐसी होगी। उसने अक्षत की तरफ मासूमियत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अक्षत ने कहा, तुम किस जबरदस्ती की बात कर रही हो? क्या होगा इस शादी का अंजाम? क्या वैशाली अपना पाएगी अक्षत को, या फिर उनकी जिंदगी लेगी कुछ और मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैशाली ने जब ये कहा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो अक्षत ने कहा, तुम किस जबरदस्ती की बात कर रही हो? हम तो बस वही करेंगे जो शादी के बाद सब कपल करते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। वैशाली ये सुनते ही अक्षत को घूरते हुए देखकर बोली, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? अक्षत ने पूछा। अक्षत की बात सुन वैशाली की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसको 2 साल पहले जो भी हुआ वो याद आने लगा था, वो रात जिसके बाद ही तो सब शुरू हुआ था। वैशाली को ऐसा रोते देख अक्षत के दिल में दर्द उठा और वो बोला, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो हमारे बीच पहले भी हो चुका है। वैशाली ने अक्षत को घूर कर देखा और कहा,
उस वक्त हालात अलग थे। ये 2 साल पहले वाली बात सुनकर अक्षत की एकदम से ही एक्सप्रेशन बदल गए। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो इस बात को, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैशाली उसकी बात से चिढ़ गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अक्षत का फोन बजने लगा। अक्षत ने फोन देखा और वो रूम से बाहर निकल गया। इतने में ही एक लेडी जिसकी उम्र करीब 40 साल की थी वो वहां आ गई। वैशाली ने तुरंत उनको पहचान लिया। ये तो वही है जो उसको उस दिन अक्षत के घर मिली थी, सुनीता ने मुस्कुराते हुए वैशाली से कहा। सर ने मुझे आपकी देखभाल के लिए बुलाया है। उस लेडी को देखकर वैशाली भी थोड़ा मुस्कुराई, पर वो खुश नहीं लग रही थी। अक्षत ने बाहर जाकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस त्रिश मल्होत्रा ने मैडम को ढूंढने के लिए पूरा शहर एक कर दिया है। अक्षत ने बड़े आराम से कहा, ओके, अब परेशानी की बात नहीं है, तुम उसको पता लगाने दो। उस आदमी ने बड़ी पोलाइट तरीके से जवाब देते हुए कहा, जी बॉस, और फोन काट दिया। उधर अभिनव अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था और बार बार अक्षत को कॉल किए जा रहा था। वो धीरे से खुद बड़बड़ाया और कहा, ये मेरा भाई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। अभिनव जानना चाहता था कि आखिर अक्षत है कहाँ। उसने अपना दिमाग लगाया और इस बार कॉल की जगह अक्षत को मैसेज किया, भाई वैशाली कंपनी आई है, वो आपको पूछ रही है, मुझे उसे क्या जवाब देना चाहिए। अभिनव के मैसेज करने की थोड़ी देर में ही अक्षत का मैसेज आ गया, बकवास बंद करो, वो मेरे साथ है, मैंने उसे किडनैप किया है। जैसे ही अभिनव ने ये मैसेज पढ़ा उसके पसीने छूट गए। उसको पता था कि उसका भाई मजाक नहीं कर रहा है, ये सोचते हुए उसने खुद से कहा, मतलब भाई ने सच में उसको किडनैप कर लिया। उसके बाद अभिनव ने अक्षत को एक के बाद एक मैसेज किए, लेकिन अक्षत ने किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। दोपहर के बाद त्रिश और गुड्डू दोनों अक्षत के ऑफिस में पहुंच चुके थे। गुड्डू ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, भाई आपको पूरा विश्वास है कि प्रिशा अक्षत जिंदल के पास है। त्रिश ने कहा, हाँ मुझे पूरा विश्वास है, उसने मेरी प्रिशा को किडनैप किया है। ये ख्याल आते ही कि वैशाली अक्षत के पास है, त्रिश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। गुड्डू ने अंदर जाते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से अक्षत के बारे में पूछा। उस लड़की ने ऊपर से नीचे तक उन दोनों को देखा। त्रिश को देखकर उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अक्षत सर तो आज नहीं आए। उसकी बात सुनकर त्रिश ने गुस्से में कहा, मुझे पता था, अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है, वो ना तो जिंदल हाउस में है और ना ही अपने विला में, अब तो पक्का है कि प्रिशा को उसने किडनैप किया है। गुड्डू त्रिश को पकड़कर शांत कराती हुई बोली, भाई आप चिंता मत कीजिए, हम प्रिशा को जल्दी ढूंढ लेंगे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को त्रिश की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, अभिनव सर यही है, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो। उस लड़की की बात सुनकर त्रिश ने कहा, हाँ मुझे उससे मिलना है। उस लड़की ने अभिनव की सेक्रेटरी को फोन करके उनसे परमिशन ली। अभिनव को जब ये पता लगा कि त्रिश मल्होत्रा उससे मिलने आया है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसको सुबह से परेशान करने के लिए कोई नहीं मिला था, अब वो त्रिश को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। त्रिश और गुड्डू दोनों अभिनव के कैबिन के बाहर थे। अभिनव की सेक्रेटरी ने उन दोनों के लिए दरवाजा खोला और उन्हें अंदर लेकर गया। अभिनव ने जैसे ही त्रिश को देखा उसके चेहरे पर एक बनावटी स्माइल आ गई, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे से वो स्माइल गायब हो गई क्योंकि उसको उसके साथ गुड्डू दिख गई थी। गुड्डू और अभिनव ने एक साथ कहा, तुम? वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। गुड्डू को याद आया कि वो प्रिशा को ढूंढने के चक्कर में भूल ही गई थी कि वो इस बंदर के ऑफिस में आई है। अभिनव जब गुड्डू को घूर कर देख रहा था तभी त्रिश ने उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने प्रिशा को कहां छुपाया है, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। गुड्डू ने त्रिश को अभिनव से अलग करते हुए कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो इसे। अभिनव ने भी अब त्रिश के कॉलर को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, अपने गंदे मुंह से मेरे भाई का नाम भी मत लेना। कैबिन का ये माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आज एक दूसरे को मार ही डालेंगे। उसी वक्त त्रिश का भी फोन बजा। गुड्डू ने त्रिश को खींचते हुए कहा, भाई फोन उठाओ, शायद प्रिशा के बारे में कुछ पता लगाओ। प्रिशा के नाम का जिक्र होते ही त्रिश ने अभिनव का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन अभिनव उसका कॉलर छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि गुड्डू के घूरने के कारण उसको कॉलर छोड़ना ही पड़ा।
अत्रिश अपनी जेब से फोन निकालकर अभिनव के कैबिन से बाहर चला गया। अब कैबिन के अंदर गुड्डू और अभिनव थे। गुड्डू ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुमने मेरी प्रिशा भाभी को कहां छुपाया? अभिनव को गुड्डू की ये बात सुनकर हंसी आ गई। अभिनव ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, पहले तो मैं तुम्हारी बात को ठीक करता हूँ, वो प्रिशा नहीं है, वैशाली है, और वो तुम्हारी भाभी नहीं है, मेरी भाभी है। अभिनव अपनी बात कहकर बहुत प्राउड फील कर रहा था। गुड्डू को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आया। उसने अभिनव को अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, वो तुम्हारी भाभी कहाँ से हुई? वो मेरे भाई को पसंद करती है और उसकी शादी मेरे ही भाई से होगी, समझे तुम? अभिनव अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि जल्दी भाई और वैशाली भाभी के बच्चे होंगे जो तुम्हारे उस भाई को मामा कहकर पुकारेंगे। ये बात सुन गुड्डू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी दांत पीसते हुए गुस्से में बोली, शट अप। उसी वक्त त्रिश कैबिन में आता है और गुड्डू से हड़बड़ाहट में कहता है, प्रिशा का पता लग चुका है, वो अक्षत की पुश्तैनी हवेली में है, चलो हमें वहां जल्दी जाना होगा। ये बात सुन गुड्डू खुश हो गई और उसने अभिनव की तरफ एक जीत भरी मुस्कान दी और उसके बाद वो त्रिश के साथ वहां से निकल गई। अभिनव हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने सोचा कि आखिर उनको भाई का पता कैसे लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आया और वो जल्दी जल्दी में वहां से निकल गया। बॉस, त्रिश मल्होत्रा आपकी हवेली में पुलिस को लेकर आ रहा है। फोन के दूसरी तरफ से आई आवाज सुनकर अक्षत के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वैशाली रूम में शीशे के आगे बैठी हुई थी। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। अक्षत ने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद पंडित को बुलाकर फिर से शादी की थी। सुनीता वैशाली के कमरे में एक लाल रंग की साड़ी लेकर आई और वैशाली से बोली, सर ने कहा है कि आपको ये पहननी है। वैशाली ने साड़ी को देखते हुए कहा, मैं इसको नहीं पहनूंगी। सर ने ये भी कहा है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानती हैं तो आपको इसके परिणाम के लिए भी तैयार होना होगा, सुनीता ने कहा। वैशाली ने गुस्से से उस साड़ी को अपने हाथ में पकड़ा और फिर उसको चेंज करने चली गई। जब वो साड़ी पहनकर बाहर आई तो बहुत सुंदर लग रही थी। सुनीता ने वैशाली को देखकर कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो, इसमें कोई शक नहीं है कि सर आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। पहले तो वैशाली का तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अक्षत की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो बेमन से तैयार हो रही थी। जब वैशाली तैयार होकर नीचे आई तो अक्षत लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अपनी चोट के कारण वो कुछ दिन तक ऑफिस नहीं जा सकता था, इसलिए वो ऑनलाइन कुछ जरूरी मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। उसकी नजर जब नीचे आती वैशाली पर पड़ी तो उसकी सांसें थम सी गईं। लाल रंग की प्लेन सिल्क साड़ी में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वैशाली ने जब अक्षत की नजरों को खुद के ऊपर पाया तो वो खींचते हुए अक्षत के पास गई और उससे कहा, तुम इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा, मैं तुम्हें रात को अपने साथ बेड पर इमेजिन कर रहा था। उसकी बात सुनकर वैशाली के गाल लाल हो गए, शर्म की वजह से नहीं बल्कि गुस्से की वजह से। उसने अक्षत को घूरते हुए कहा, तुम एक बेहुदा इंसान हो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही वो गुस्से में वहां से चली गई और अक्षत उसको देखता रह गया। क्या होगा आज रात? क्या वैशाली और अक्षत के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हवेली के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। त्रिश और गुड्डू अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर हवेली के अंदर आ रहे थे कि बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। अक्षत को पता लगा तो वो बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें अंदर भेजने का इशारा किया। अक्षत के कहने पर उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दी। त्रिश ने अंदर आते ही अक्षत की तरफ इशारा करते हुए पुलिस वाले से कहा, पकड़ लीजिए इस घटिया आदमी को, यही है जिसने मेरी प्रिशा को किडनैप किया है। ये बात सुनते ही अक्षत ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी प्रिशा? एक पुलिस वाले ने अक्षत से सवाल किया, मिस्टर जिंदल, क्या ये सच है कि आपने किसी लड़की को यहाँ पर कैद करके रखा है? वो पुलिस वाला भी काफी डरा हुआ था।
अगर एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अगर वो इन दोनों में से एक भी इंसान को ऑफेंड करता तो उसको खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। वैशाली को जब बाहर से कुछ आवाजें आईं तो वो देखने आ गई। उसे एहसास हो चुका था कि बाहर और कोई नहीं बल्कि त्रिश आया है। वो जब बाहर आई तो वो हैरान हो गई, क्योंकि त्रिश अकेला नहीं था, उसके साथ गुड्डू भी आई हुई थी। उसने हैरानी से देखते हुए कहा, त्रिश, गुड्डू, तुम दोनों यहाँ? त्रिश को वैशाली की आवाज जैसे ही सुनाई दी वो दौड़कर वैशाली के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने वैशाली को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वैशाली ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी मांग में लाल रंग का सिंदूर था। त्रिश रुका, उसके शब्द उसके गले में ही रह गए। उसने हकलाते हुए कहा, त्रिशा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? उसको एहसास हो चुका था कि शायद अक्षत ने उसकी प्रिशा से शादी कर ली है, लेकिन वो ये सोचना भी नहीं चाहता था। उसने अपना हाथ उठाया और वैशाली के माथे पर लगे सिंदूर की तरफ लेकर जाने लगा। वो उस राक्षस के नाम के सिंदूर को मिटा देना चाहता था। इससे पहले कि त्रिश कुछ कर भी पाता, अक्षत वैशाली और त्रिश के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने त्रिश का हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उससे गुस्से में कहा, सोचना भी मत। इसके बाद अक्षत वैशाली का हाथ पकड़कर पुलिस वालों के सामने लेकर गया और वैशाली की तरफ देखते हुए कहा, ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा है, इन्हें सच बताओ। वैशाली ने घूर कर अक्षत की तरफ देखा और मन ही मन कहा, सच तो कह रहे हैं ये। अक्षत को पता था कि वैशाली मन ही मन क्या सोच रही है। उसने वैशाली को एक वार्निंग वाला लुक दिया। वैशाली अक्षत को देखकर घबरा गई और उसने कहना शुरू किया, वो मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ, हमने आज ही शादी की है और ये शादी मेरी मर्जी से ही हुई है। अब मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सब कहकर वैशाली अक्षत की तरफ देखने लगी, जैसे वो उससे पूछ रही हो कि इतना काफी है या कुछ और भी कहना है। अक्षत ने उसको इग्नोर किया और पुलिस वालों को कहा, सुन लिया आप सबने, अब आप जा सकते हैं। ये सुनने के बाद पुलिस वालों ने त्रिश और गुड्डू की तरफ देखते हुए कहा, आशा है कि आपकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। उसके बाद वो बिना देरी किए वहां से निकल गए। गुड्डू और त्रिश अभी जो भी हुआ उसको सुनकर हैरान थे। त्रिश अपनी जगह पर जम सा गया था। थोड़ी देर बाद उसको होश आया और वो वैशाली के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, त्रिशा, क्या तुम गुस्सा हो कल की बात से, इसलिए तुम ये सब कह रही हो? अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, अब चलो यहाँ से। त्रिश ने वैशाली का हाथ पकड़ते हुए कहा। अक्षत त्रिश को वैशाली का हाथ पकड़ते हुए देखकर चिढ़ गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वैशाली ने झटके से अपना हाथ त्रिश के हाथों से छुड़ा लिया। वैशाली की आंखें अब भर आई थी। वो त्रिश से नफरत तो नहीं करती थी, लेकिन उसको रात वाली बात पर जरूर त्रिश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। त्रिश ने उसको ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसको वो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। वैशाली को ये भी पता था कि त्रिश उसके लिए क्या फील करता है, लेकिन अब वो चाहती थी कि वो उसको भूल जाए। वैशाली त्रिश को अपनी वजह से और दर्द नहीं देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि त्रिश, अक्षत और उसकी वजह से सफर करे, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अक्षत बहुत चालाक है और वो त्रिश को ऐसे परेशान होते हुए देखना चाहता था। वैशाली ने त्रिश की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने तो रात को बीच सड़क पे मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था, अब यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, त्रिश ने कहा। मुझे माफ कर दो प्रिशा, मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। त्रिश ने यह कहकर अक्षत की तरफ गुस्से से देखते हुए आगे कहा, जरूर इसने ही तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया होगा। त्रिश को खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बेशक उसने उस वक्त वैशाली को मंजूरी दे दी थी कि वो अक्षत से शादी कर सकती है, लेकिन अब वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उन दोनों को साथ देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो फिर से अक्षत को टारगेट करते हुए बोला, मैं इस इंसान को जान से मार दूंगा, इसके मरने के बाद तो तुम मेरे साथ चलोगी। वैशाली ने त्रिश से कहा, बात करने से पहले तुम देख लो कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये मेरे हस्बैंड हैं। वैशाली का अक्षत की साइड लेना त्रिश को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था,
उसकी ऐसी बातें सुनकर त्रिश अब पूरी तरह से टूट चुका था। गुड्डू ने उसको सहारा देते हुए कहा, भाई संभालिए अपने आप को, क्या हुआ अगर प्रिशा ने शादी कर ली है? इस दुनिया में लड़कियों की तो कमी नहीं, आपको और भी लड़कियां मिल जाएंगी। ऐसी धोखेबाज लड़की से शादी ना ही करना अच्छा है। गुड्डू ने अपनी बात जारी रखते हुए वैशाली की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया। ये कहते हुए उसकी आवाज में दर्द साफ साफ झलक रहा था। त्रिश ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अक्षत ने वैशाली की कमर पकड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, चले अब, आज हमारी सुहागरात भी है, हमें ऐसी फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनते ही वैशाली ने गुस्से से अक्षत की तरफ देखा। अब उसको समझ आ गया था कि अक्षत ने सुबह कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी करने के बाद पंडित बुलाकर उससे दोबारा शादी क्यों की थी। अक्षत को पता था कि त्रिश यहाँ जरूर आएगा और उसको दिखाने के लिए उसने ये सब प्लानिंग की थी, ताकि त्रिश वैशाली को इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट जाए। अक्षत वैशाली की कमर पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ अंदर लेकर जाता है। त्रिश और गुड्डू उनको जाते हुए देख रहे थे। तब तक अभिनव भी वहां पहुंच चुका था। वो बहुत देर से खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसको तो जैसे आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल चुका था। वो धीरे से चलकर त्रिश और गुड्डू के पास गया। अभिनव त्रिश की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या जो भैया ने कहा? अब यहाँ खड़े क्यों हो? त्रिश को तो अभिनव की बात जैसे सुनाई नहीं दी। वो बस एक जगह भूत बनकर सामने की तरफ देख रहा था, जहां से अभी अभी अक्षत वैशाली को लेकर गया था। गुड्डू ने चिढ़कर अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, हम जा रहे हैं, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। चलिए भाई यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए गुड्डू त्रिश को लेकर वहां से निकल गई। त्रिश और गुड्डू कार में थे। गुड्डू ने त्रिश से पूछा, भाई आप ठीक तो है ना? त्रिश ने जवाब देते हुए बस अपनी गर्दन हिला दी। उसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिशा ने शादी कर ली है। गुड्डू से अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसको अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, साथ ही उसे वैशाली के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। गुड्डू का फोन रिंग करने लगता है। वो फोन उठाकर सामने वाले की बात सुनने लगी। उसने फोन काट कर चिंता जताते हुए कहा, भाई हमारी लंदन की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे अभी वहां जाना होगा। त्रिश ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, हाँ तुम जाओ। पर भाई आप, गुड्डू ने इतना ही कहा था कि त्रिश बीच में बोल पड़ा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि किसी लड़की के धोखा देने से टूट जाऊं। ठीक है भाई, मगर आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ध्यान रखेंगे, गुड्डू ने कहा। त्रिश ने जवाब देते हुए बस अपनी गर्दन हिला दी। उधर अभिनव ने हवेली के अंदर जाते ही हंगामा मचा दिया। वो बस अक्षत के पीछे पीछे घूम रहा था। भाई आपने शादी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। इस दुनिया में आपसे ज्यादा निर्दयी इंसान और कोई नहीं है। आपने किस तरह से वैशाली को मनाया? अभिनव ये जानने के लिए काफी उत्सुक था कि आखिर उसके भाई ने वैशाली को किस तरह शादी के लिए मनाया है। तभी अभिनव की बात अक्षत ने बीच में काटते हुए कहा, वैशाली नहीं भाभी कहो। अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, भाई मैं उसको भाभी नहीं कहूंगा। ये सुनते ही अक्षत ने घूर कर अभिनव को देखा। अभिनव डरते हुए बोला, नहीं भाई मैं तो मजाक कर रहा था, वो मेरी भाभी है, प्यारी वैशाली भाभी। काफी देर अक्षत को परेशान करने के बाद उसे अब पता लग चुका था कि उसका भाई उसको कुछ नहीं बताने वाला, इसीलिए वो वैशाली के पास सारा मामला जानने के लिए चला गया। क्या अभिनव पता लगा पाएगा कि वैशाली ने क्यों की अक्षत से शादी? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस। वैशाली को अक्षत के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? त्रिश को नीचा दिखाने के लिए अक्षत ने सारी हदें पार कर दी थी। सुनीता वैशाली के पास आई और बोली, अक्षत सर ने कहा है कि अब आप सर के साथ उनके रूम में ही रहेंगी। उसकी बात सुनकर वैशाली गुस्से से लाल हो गई। वो मन में खुद से बोली, आखिर इस भेड़िए के दिमाग में चल क्या रहा है, मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। वहीं सुनीता ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, आप एक बार रूम देख लीजिए, फिर हम आपका सामान वहीं जमा देंगे।
वैशाली ने गुस्से से कहा। मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर सुनीता ने हैरानी से पूछा, मैडम पर मैं साहब को क्या जवाब दूंगी? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जवाब दूंगी, वैशाली बोली। वैशाली ने फिर मन ही मन सोचा, इस इंसान के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, कहीं रात को। वैशाली ने इसके बारे में सोचा और वो घबरा गई। वो अक्षत से इस बारे में सब क्लियर करना चाहती थी। वो अपने रूम से बाहर निकली ही थी कि उसकी नजर अपने से बगल वाले रूम पर पड़ी। उसको वहाँ कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो उस रूम के अंदर ये देखने के लिए चली गई कि आखिर इस रूम में चल क्या रहा है। जैसी वैशाली ने रूम के अंदर अपने पैर रखे, वो रूम को देखकर शॉक्ड हो गई। उस रूम का किंग साइज बेड पूरा लाल फूलों से सजा हुआ था। उस पूरे रूम को काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ था। ये देख वैशाली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसी वक्त अभिनव भी वैशाली को ढूंढता हुआ वहां आ गया। उसने वैशाली को देखकर कहा, वैशाली, ये कहते हुए वो रुका और फिर कहने लगा, नहीं भाभी, मैं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढ रहा था, और तुम, मेरा मतलब है आपको। अभिनव की आवाज जैसी वैशाली के कानों में पड़ी, उसने पीछे मुड़कर देखा। वहीं अभिनव की नजर उस सजे हुए कमरे पर गई और वो वहां देखते हुए बोला, काफी अच्छी प्रोग्रेस है। अभिनव की बात सुनकर वैशाली थोड़ी सहम गई। उसको ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अभिनव ने सोचा कि वैशाली शर्मा रही है। अभिनव उसके पास गया और उसके कंधे में अपना कंधा मारते हुए कहा, आप इतना शर्मा क्यों रही हैं भाभी जी? इधर अक्षत को जैसे ही पता लगा कि अभिनव वैशाली के पास गया है, तो वो तुरंत वहां आ गया। उसने देखा कि अभिनव वैशाली के पास खड़ा होकर उसके कंधे को अपने कंधे से झटका दे रहा था। अक्षत की आंखें छोटी हो गई और वो उनके पास जाकर उसने उनको अलग करते हुए वैशाली को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अक्षत ने अभिनव से थोड़ा सख्त लहजे में कहा, तुम यहां से खुद जाओगे या फिर मैं तुम्हें। अक्षत ने इतना ही कहा था कि अभिनव ने कहा, भाई आप कुछ मत करिए, मैं खुद जाता हूँ, मैं कल यहाँ आ जाऊंगा, अभी आप दोनों एंजॉय कीजिए। इतना कहते हुए अभिनव ने वैशाली को एक आंख मारी, फिर अभिनव वहां से तेजी से चला गया। उसके जाने के बाद अक्षत वैशाली के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे दीवार से सटाते हुए खुद उसके एकदम नजदीक आ गया। वैशाली को अपने चेहरे पर अक्षत की सांसें साफ साफ महसूस हो रही थी। तभी वैशाली ने डरते हुए अक्षत को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या बेहूदगी है। वैशाली ने बस इतना ही कहा था कि अक्षत ने अपने होंठ उसके होंठों से लगा दिए। वो बहुत ज्यादा क्रूर था। वैशाली को किस करते हुए अक्षत ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को बहुत दिन बाद पानी मिला हो। ये वही खुशबू थी जिसे वो पिछले 2 सालों से मिस कर रहा था। वैशाली को छोड़ने का अक्षत का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वैशाली ने अक्षत के सीने पर अपने हाथ से वार करना शुरू किया तो अक्षत ने उसे छोड़ दिया। अक्षत ने वैशाली को छोड़ तो दिया था, लेकिन वो वैशाली से दूर बिल्कुल नहीं हुआ था। अक्षत ने वैशाली की चिन पकड़कर वैशाली के फेस को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है, आज मैं उसका पूरा हिसाब लूंगा। ये कहकर अक्षत ने उसको पकड़कर बेड पर धकेल दिया। वैशाली ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वैशाली ने जैसे ही बेड से उठने की कोशिश की, अक्षत ने उसको खुद के नीचे दबा लिया। वैशाली उसकी इस हरकत से हैरान थी। वैशाली दांत पीसते हुए बोली, ये आदमी, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो। अक्षत ने वैशाली के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसको दोबारा से किस करना शुरू कर दिया। होठों से वो गले पर आ गया। वैशाली को ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई भूखा शेर उस पर झपट पड़ा हो। उसको लग रहा था कि वो आज उससे नहीं बच पाएगी। अक्षत के हाथ अब वैशाली की कमर पर गए तो साड़ी में वैशाली की कमर जो बाहर झांक रही थी, अक्षत उस पर किस करने लगा। अक्षत के हाथ धीरे धीरे उसकी बॉडी को सहलाने लगे थे। वैशाली को एहसास हुआ कि अब आगे वो अक्षत को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो उसे अब बहुत डर लग रहा था। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक डर समाया हुआ था। वैशाली की नजर पास में टेबल पर रखे गमले पर गई। उसने जल्दी में उसे उठाकर अक्षत के सिर पर मार दिया। अक्षत ने कहा,
ये मेरा हक है। इसको हक नहीं जबरदस्ती कहते हैं, वैशाली गुस्से से बोली। अक्षत की आंखें छोटी हो गईं। उसका मन कर रहा था कि वो इस लड़की को जान से मार दे। वहीं उसकी बाजू में काफी दर्द था, जो कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ झलक रहा था। वैशाली को तुरंत आभास हुआ कि अक्षत दर्द में है। कोई आम इंसान उसके इस दर्द को नहीं समझ सकता था, लेकिन वैशाली उसका चेहरा देखकर ही समझ गई। वो तुरंत आगे आई और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोली, तुम्हें दर्द हो रहा है? अक्षत ने उसकी बात का जवाब न देकर बस उसे घूरता रहा। वैशाली फिर बोली, मैं दवाई लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अक्षत ने इस बार कहा। ये कहकर वो वहां से उठने लगा, लेकिन वैशाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी कि इंसान कभी खुद से दवाई नहीं लगाएगा, चाहे वो दर्द में ही क्यों न तड़पता रहे। वैशाली अक्षत को दर्द में नहीं देख सकती थी। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि अक्षत को दर्द में देखकर उसे खुद भी दर्द हो रहा है। वैशाली ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैं लगा दूंगी। खुद घाव देकर मरहम लगाओगी? अक्षत ने कहा। तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, वैशाली बोली। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ छटक कर वहां से जाने लगा, लेकिन वैशाली ने फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मत जाओ, मैं दवाई लगा देती हूँ। अक्षत का गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था। उसने उस हाथ को देखा जो वैशाली ने पकड़ा हुआ था और फिर वापस से बेड पर बैठ गया। उसने ड्रॉज की तरफ इशारा किया। वैशाली तुरंत समझ गई कि दवाई वहां है। वो उठी और दवाई लेकर वापस आ गई। अक्षत ने तब तक अपनी शर्ट उतार दी थी। उसको इस तरह से देखकर वैशाली थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन फिर उसने अक्षत के घाव को देखा। उसका घाव बहुत बुरी हालत में था। वैशाली ने अक्षत को देखकर कहा, तुम्हें गोलियां लगी हैं और तुम ही अच्छे से जानते हो कि तुम कोई फिजिकल काम नहीं कर सकते और तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन तुम्हें इन सब की कोई चिंता नहीं है, तुम सिर्फ मुझे पाना चाहते हो, अक्षत ने कहा। तो तुम मुझे ये आराम से भी तो बोल सकती थी, मुझे मारने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं और तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो और उस त्रिश के साथ अपनी जिंदगी बिताओ? हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है, ये बात सुन वैशाली ने खुश होते हुए कहा। बस इतना कहते अक्षत को गुस्से में देखकर वो तुरंत चुप हो गई। अक्षत अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं छोड़ूंगा भी नहीं, तुम बस उस दिन का इंतजार करना, अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। ये कहकर अक्षत वहां से जाने लगा। तभी वो दरवाजे के पास रुक गया। उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, और हाँ, कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि फिर मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा। अक्षत ने अपनी बात पूरी की और वहां से चला गया। वैशाली अक्षत की बात सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी। उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा, अरे यार, मैंने कौन से कर्म किए हैं जो मुझे इस जैसा इंसान मिला। थोड़ी देर बाद सुनीता वैशाली के लिए खाना लेकर आई। वैशाली को भूख तो बहुत लगी थी, उसने जल्दी से खाना खा लिया। उसके बाद वैशाली फ्रेश होकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसको डर था कि कहीं अक्षत दोबारा से आकर अपनी हरकतें शुरू न कर दे। क्या होगा अक्षत का अगला स्टेप, जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। त्रिश एक बार में बैठा हुआ था और उसके आगे वाइन की बॉटल्स का ढेर लगा था। इधर वर्षा जब सोकर उठी तो उसने वहां किसी को नहीं पाया। उसने मेड से पूछा, क्या यहाँ कोई नहीं है? एक मेड ने उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। वर्षा ने गहरी सांस ली। वो अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। वैशाली का इतने दिन से कुछ पता नहीं लगा था। वो भी वैशाली को ढूंढने में त्रिश की मदद करना चाहती थी, लेकिन त्रिश ने उसे घर से निकलने से साफ मना किया था। वर्षा ने कुछ देर सोचा और फिर मेड से पूछा, गुड्डू भी नहीं आई क्या? मेड बोली, हाँ, गुड्डू मैडम आई थी जब आप सो रही थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी में कहीं निकल गई। ठीक है, मैं समझ गई, उस मेड की बात सुनकर वर्षा ने कहा। वर्षा कुछ सोच रही थी, फिर वो जाकर टीवी देखने लगी।
उसके दिमाग में अजीबोगरीब सवाल चल रहे थे। वो सोचते हुए खुद से कहने लगी, इतने दिन त्रिश ने वैशाली का ख्याल रखा, ना चाहते हुए भी वो त्रिश को चाहने लगी थी। वर्षा यही सोच में थी कि तभी बाहर कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। करीब 12 बजे का वक्त हो रहा था। ड्राइवर के साथ त्रिश घर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसको देखकर कोई भी बता सकता था कि वो किसी बात से पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वर्षा उसे देख खड़ी हो गई। जब त्रिश अंदर आया तो त्रिश को पहली नजर देखते ही वर्षा का दिल उसके लिए धड़कना शुरू हो गया था, या यूं कहे कि पहली नजर का प्यार। लेकिन त्रिश का रिएक्शन अलग था वर्षा को देखकर। उसकी नजर जैसी वर्षा पर गई, वो गुस्से से उसके पास गया और थोड़ा लड़खड़ाती जुबान से बोला, तुम गई नहीं अभी तक? तुमने पी हुई है? वर्षा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। त्रिश ने गुस्से में कहा, मैंने जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? जब तुम्हारी दोस्त यहाँ से चली गई तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलते वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। वर्षा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब तुम्हारा वैशाली चली गई है? लेकिन कहाँ? त्रिशा ने उस अक्षत जिंदल के साथ शादी कर ली है, त्रिश गुस्से में बोला। इतना बोलते ही त्रिश को चक्कर आने लगा। ये देख वर्षा ने उसको अपनी बाहों से सहारा देते हुए कहा, तुम ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। वर्षा को त्रिश की अब चिंता होने लगी थी, और साथ ही साथ इस बात की हैरानी भी कि वैशाली ने अक्षत से शादी कर ली है। वर्षा सहारा देकर त्रिश को रूम तक लेकर गई और उसको बेड पर लिटाते हुए अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, कितना भारी है ये, इसको ऊपर लाते लाते मेरे सारे पुर्जे ढीले हो गए। वर्षा ने थोड़ी देर उसे निहारा और फिर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी त्रिश बेड से उठने की कोशिश करते हुए वर्षा से कहने लगा, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वर्षा ने नाक सिकोड़कर त्रिश से चिढ़ते हुए कहा, तो मैं गार्बेज हूँ जो तुम मेरे ऊपर उल्टी करना चाहते हो? त्रिश ने वर्षा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुद ही उठने की फिर से कोशिश की। वो बस दो ही कदम चला था कि उसको फिर से चक्कर आने लगे। वर्षा चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। ये कहते हुए वर्षा ने त्रिश को कंधे का सहारा दिया और उसको बाथरूम तक लेकर गई। उसके बाद वर्षा त्रिश के लिए खाना लेने नीचे किचन में चली गई। जब वो ऊपर खाना लेकर आई तो उसको बाथरूम से त्रिश की उल्टी करने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसको अब त्रिश की चिंता होने लगी थी। वर्षा ने गुस्सा जताते हुए त्रिश से कहा, इतनी पीने की क्या जरूरत है जब पचा नहीं सकते हो तो? वर्षा को अब गुस्सा आ रहा था। त्रिश ने लगभग आधे घंटे तक उल्टी की। उल्टी करने के बाद वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगा था। उसने वर्षा को बाहर जाने को कहा और खुद फ्रेश होने लगा। उसने शावर ऑन कर दिया और उसके नीचे खड़ा होकर नहाते हुए आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। फ्रेश होने के बाद अब वो काफी हद तक अच्छा फील कर रहा था। उसने अपना नाइट सूट पहना और बाहर आ गया। वर्षा को अब वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वर्षा बस उसको बिना पलके झपकाए देख रही थी। उसने जब वर्षा को अपने रूम में देखा तो थोड़ा गुस्से से कहा, तुम गई नहीं अभी तक? मेरे रूम से निकलो और कल सुबह मेरे घर से भी। वर्षा ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, हाँ तो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं बस ये खाना लेकर आई थी तुम्हारे लिए। त्रिश ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपने रूम में रखी वाइन को उठाया और पूरी बोतल मुंह में लगा ली। एक सांस में ही उसने आधी बोतल गटक ली। वर्षा उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी। जब वो दूसरी बार बोतल को मुंह में लगाने लगा तो वर्षा ने जल्दी से जाकर उससे वो बोतल छीन कर जमीन पर पटक दी। त्रिश को उससे वर्षा का ऐसा बोतल छीनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वर्षा को गुस्से में देख ही रहा था कि वर्षा बोली, पागल हो गए हो क्या? आज ही मरना चाहते हो? पता नहीं क्यों पर अब त्रिश को वर्षा की जगह वैशाली दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा अचानक से बढ़ गया और उसने वर्षा को धक्का दे दिया, जिससे टेबल पर रखा खाना वर्षा के हाथ जा लगा और वो नीचे गिर गया। वर्षा की आंखों में आंसू आ गए और उसने नम आंखों से खाने की तरफ देखा और बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, तुमने सारा खाना गिरा दिया,
मैं कितने प्यार से लाई थी। त्रिश की नजरें जैसी खाने के ऊपर गईं, उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत किया। इस लड़की ने मेरी मदद की और मैंने इसको ही डांट दिया। उसने थोड़ा लो टोन में वर्षा से कहा, आई एम सॉरी। ये बोलते हुए उसने वर्षा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया। वर्षा का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी नजर खाने पर ही थी जो बिखर चुका था। उसको इतना उदास देखकर त्रिश दोबारा बोला, सॉरी। त्रिश ने अनजाने में वैशाली का गुस्सा वर्षा पर उतार दिया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वर्षा बोली, कोई बात नहीं, पर मुझे एक बात बताओ, क्या जो तुमने पहले कहा वो सच है? क्या सच में वैशाली ने अक्षत से शादी कर ली है? वर्षा की कही बात सुनकर त्रिश के एक्सप्रेशन जो अभी थोड़े नॉर्मल हुए थे वो फिर से कठोर होने लगे थे। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगा था। वर्षा ने जब त्रिश की ऐसी हालत देखी तो उसको एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो धीरे से बोली, अभी तो इसने सिर्फ मुझे जमीन पर ही फेंका है। जिस हिसाब से उसके एक्सप्रेशन कठोर हो गए, ऐसा लगता है अब ये मुझे खिड़की से नीचे फेंक देगा। वर्षा ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर वर्षा तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी समय में वर्षा त्रिश के लिए खाना लेकर आ गई, लेकिन जैसे उसने कमरे में एंटर किया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि त्रिश ने फिर से एक वाइन खोली हुई थी और वो आधी खाली हो चुकी थी। वर्षा ने गहरी सांस छोड़ी और त्रिश के पास जाकर बैठ गई। वर्षा ने बड़े प्यार से कहा, चलो अब इस शराब को छोड़ो और तुम खाना खा लो। वर्षा ने त्रिश का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। त्रिश ने कुछ नहीं कहा और वो बस कहीं गुम था। वर्षा ने खाने की तरफ दोबारा से इशारा करते हुए कहा, खाना खाओ। त्रिश ने बस खाने को देखा लेकिन उसने खाया नहीं। जब वर्षा ने ये देखा कि त्रिश खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा है, तो उसने खुद ही खाने की प्लेट उठाई और उसको खाना खिलाने लगी। त्रिश ने उसको अब मना नहीं किया, क्योंकि आज शायद उसको उसकी जरूरत थी। अगर वो आज के दिन अकेला होगा तो बुरी तरह से टूट जाएगा। वर्षा जैसी उसकी चिंता कर रही थी। त्रिश को वो भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना ध्यान तो उसका आज तक वैशाली ने भी नहीं रखा था। त्रिश को आज तक कभी नहीं लगा कि वैशाली भी उससे प्यार करती है। वर्षा उसको अपने हाथों से खाना खिला रही थी। त्रिश की नजर बस वर्षा पर ही थी। उसको अब अच्छा फील होने लगा था। आखिर उसके साथ कोई तो था। त्रिश ने वर्षा की आंखों को देखा, जिसको देखकर त्रिश को ऐसा लगा कि शायद उसकी आंखों को किसी आर्टिस्ट ने डिजाइन किया हो। त्रिश की नजर अब वर्षा के होंठों पर चली गई, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। त्रिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसका मन हुआ कि वो वर्षा को गले से लगा ले, लेकिन उसने एकदम से अपने अंदर आए ख्यालों से बाहर आते हुए खुद से कहा, आखिर तू ये क्या सोच रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ शादी कर ली है और तू अब उसकी ही दोस्त को गले लगाने की सोच रहा है? त्रिश ने इससे आगे कुछ नहीं सोचा और उसने वर्षा से प्लेट लेते हुए कहा, मैं खुद खा लूंगा। वर्षा को लगा कि शायद त्रिश का दिमाग शराब पीने की वजह से खराब हो गया है। वर्षा ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है तुम खा लो, मुझे अब नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। वर्षा की वहां से जाने की बात सुनकर त्रिश ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, नहीं तुम नहीं जा सकती। क्या होगी एक नए प्यार की शुरुआत? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।